नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स हेल्पलाइन न्यूज़ में। मैं पवन कुमार दुनेजा। आज हम आए हैं छतरपुर इलाके में, जहाँ पे सेकंड लवकुश क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसका आज फाइनल मैच खेला गया है। सभी बच्चों ने बहुत जोरों से और बहुत मेहनत से खेला है। जगमुख अकेडमी और लवकुश क्रिकेट अकेडमी के बीच ये मैच खेला गया। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से प्रत्याशी रह चुके विधायक पद के लिए श्री गगन जी हैं, ये उनसे बात करते हैं। गगन प्रधान जी से कि सर, आप आज यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, और ख़ास तौर से अपना जब यहाँ पे इतना अच्छा युवा वर्ग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि अंडर 16 क्रिकेट है, टूर्नामेंट है, तो मुझे पता चला अपना जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उन सबको देख के अपना छोटा जब हम छोटे हुआ करते थे वो जीवन काल याद आ गया, तो बड़ा ही अच्छा और मतलब सुंदर लग रहा है सब कुछ देख करके यहाँ पे। सर, किस तरीके से बच्चों ने जो खेला आपको कैसा लगा, और किस तरीके से इन बच्चों का भविष्य आपको दिखता है? बच्चों का प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय था, बहुत ही अच्छा बच्चों ने खेला। यहाँ पे 2-3 बच्चे बड़े छोटे छोटे थे जिन्हें देख करके बड़ी खुशी हुई, लगा कि हाँ जैसे कि आज हमारे देश ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जो जीता है, वैसी ये भविष्य जो आज के बच्चे यहाँ अंडर 16 खेल रहे हैं, इनमें से कोई आशा करते हैं कि आगे इनमें से ही कोई बच्चा आज आगे जाके हमारे देश का नाम रोशन करेगा, वो भी आगे जैसे कोई ना कोई वर्ल्ड कप जीत करके लेके आएगा। सर, आपकी तरफ से इन बच्चों को आज क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से इन बच्चों को एक मोटिवेटिंग मैसेज? मोटिवेटिंग सिर्फ यही है, सबसे पहले अपने गुरु अपने माता पिता का सम्मान करें, और साथ में अपने एक डिसिप्लिन होता है उसको मान करके चलें, जो गुरु कहता है उसकी बात सुने, उसको ध्यान से चलें, और जो बच्चा डिसिप्लिन के साथ चलेगा वो 100% कहीं ना कहीं कामयाब होगा। तो मेरा बस आज के बच्चों को, क्योंकि सब समझदार हैं आज के टाइम पे, मेरा बस एक यही मैसेज है, अपने माता पिता का अपने गुरु का सम्मान करें और डिसिप्लिन के साथ इस क्रिकेट को खेलें। कहीं भी एक दूसरे के लिए ईर्ष्या ना रखें मन के अंदर, कि कहीं भी भेदभाव ना रखें, किसी को छोटा दिखाने की कोशिश ना करें, आपस में एक दूसरे को प्रोत्साहन दें और आगे बढ़ाने की कोशिश कहीं ना कहीं करें। यही मेरा एक छोटा सा मैसेज है अपने युवाओं के लिए। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ लवकुश क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक श्री राहुल जी हैं, ये उनसे पूछते हैं। राहुल जी, किस तरीके का आयोजन रहा आपकी तरफ से? मैंने जितना भी कोशिश मैं कर सकता था सर, मैंने पूरी कोशिश करी। मेरे को जो है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मेरे को शुरू में थोड़ी दिक्कत जरूर हुई, क्योंकि सर अभी मैं यंग हूँ तो इतना मुझे अभी एक्सपीरियंस है नहीं मेरे को, तो मैं इसी टूर्नामेंट कराने से सर मैं एक्सपीरियंस भी ले रहा हूँ। बाकी सबको पता है कि हाँ पहले मैच में सबकी मैं मानता हूँ गलती हुई है मेरे से काफ़ी, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से अब मैं वो बात बता नहीं चाहता, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आज के टूर्नामेंट में कैसा आपकी टीम का प्रदर्शन रहा? प्रदर्शन सर देखो, मैं लीग मैच की बात किया तो हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला है, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा खेला। फाइनल में क्या है, कुछ मिस्टेक हुई हमारी, जैसे मिसफील्डिंग हुई है, आज काफ़ी मिसफील्डिंग हुई है, बॉल भी आज थोड़ा डाला नहीं है लड़कों ने देखा जाए तो इस वजह से थोड़ी मिसफील्डिंग ज़्यादा हुई है, वही मैं उसकी कहना चाहता हूँ। जगमुख अकेडमी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया और इस टूर्नामेंट को जीता है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जगमुख अकेडमी कहा जाता है कि जो अच्छा खेलता है वही जीता है, आज जगमुख ने जो है आज बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, तो उसी का ये फल है कि आज जगमुख अकेडमी यहाँ के 2018 का चैंपियन बना है। तो और ये तुम्हारे लोकेश जो है हमारे, अगर वो कैच ले लिया जाता तो कहते हैं ना कैच छोड़ा तो मैच छोड़ा, वही हुआ, उन्होंने कैच छोड़ा हमारे विकेट कीपर ने और उन्होंने 100 रन मार के उन्होंने बता दिया कि कैच छोड़ना कितना महंगा पड़ता। ये थे हमारे साथ राहुल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज पूरा दिन रहा और किस तरीके से टूर्नामेंट पूरा एक सफल रहा है, और टूर्नामेंट में जगमुख अकेडमी ने बाजी मार ली है और उन्होंने ये पूरा जो टूर्नामेंट है जीत लिया है। इस वक्त हमारे साथ जगमुख क्रिकेट अकेडमी के कोच हैं, जिनकी मेहनत थी जगमुख टीम को आगे पहुँचाने की, जगमुख क्रिकेट टीम को। सर, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स हेल्पलाइन पे। सर, आज आपकी टीम ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहेंगे? पिछले काफ़ी टाइम से हमारी टीम एक साथ खेल रहे हैं और काफ़ी टाइम से इन लोगों को कह रहा हूँ कि एक बंच की तरह खेलो, टीम की तरह इंडिविजुअल खेलने मत जाओ, क्योंकि इंडिविजुअल जितना जाओगे उतना टीम का नुकसान होगा। आयते, लोकेश, रोहित, सारे लोग, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ सेम अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करें, और मेन बात मेरी टीम में थोड़ी सी गलती है डिसिप्लिन की, टाइम पर नहीं आते पंचुअलिटी की, तो मैं सभी को बोल रहा हूँ कि पंचुअल जरूर बनो लाइफ में। किस तरीके से जो आपके गुरु हैं, तो गुरु के नज़रों में जो बच्चे हैं उन्होंने आज इतनी मेहनत करके जीता है, किस तरीके से आप इन्हें बधाई देना चाहेंगे, किस तरीके से इनके माँ बाप की सराहना? इनके माँ बाप का सारा फल है, क्योंकि ये मेरे पास भेजते हैं विश्वास करके, और जितने लड़के अच्छा खेल रहे हैं सारे, इनको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ आगे फ्यूचर के लिए। इनके लिए मैं भी चाहता हूँ कि हमारी अकेडमी से कोई लड़का इंडिया खेले, ताकि सभी आपस में और अच्छा एक दूसरे देख के कंपटीशन हो, ताकि आज लोकेश ने बनाया, मैं चाहता हूँ अगले मैच में भी दूसरा बैट्समैन मेरा 100 बनाए, ताकि कंपटीशन की भावना रहे। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर।
ये थे हमारे साथ जगमुख एकेडमी के कोच, जिन्होंने बताया कि बच्चों में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, तभी जीत मिलती है। और इस तरीके से बच्चों ने आज जो खेला है वो एक सराहनीय कदम था। बहुत बच्चों ने मेहनत की, सुबह से लगभग 2 बजे से खेल रहे थे, बहुत अच्छे से इन्होंने खेला और इन्होंने बहुत बड़ा टारगेट दिया लवकुश क्रिकेट एकेडमी को, और अब इन्होंने जीत लिया है। और अब इनका अगला जो टारगेट है वो अगले अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खेलों को खेलने। कैमरा पर्सन अमन के साथ पवन कुमार जुनेजा, स्पोर्ट्स हेल्पलाइन, न्यू दिल्ली।